आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट नेटवर्क, आपके साथ आपकी आवाज। वर्षों वर्ष जनता ने कहा कि हम विकास से अछूते क्यों रहे, हम भी चाहते हैं कि प्रशासनिक ढांचा तुम्हारी आगंज में ऐसा बने कि विकास के पीछे दौड़ना ना पड़े। विकास रूपी लक्ष्मी स्वयं दुमरियागंज पधारे हमें आशीर्वाद देने के लिए। इसलिए आज मैं राघवेंद्र जी आपका, सांसद जी का अभिनंदन करती हूँ। 60 साल में दुमरियागंज में एक नगर पंचायत नसीब हुई जनता को, और पिछले 5 सालों में 2-2 नगर पंचायत दुमरियागंज को दिलवाकर आपने जनता का सम्मान बढ़ाया, प्रशासन को और सशक्त किया। वर्षों वर्ष दुमरियागंज की जनता, दुमरियागंज का नौजवान अभिभूत था स्वामी विवेकानंद जी के कथन से, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी की एक मूर्ति लगाने में पसीना छूट जाता था। वो नागरिक जो उस युवा शक्ति को प्रणाम करना चाहता था, जो उस संत को प्रणाम करना चाहता था, अपनी इच्छा मन में समेट कर रहता था। आज इस मंच से स्वामी जी की स्मृति में नमन करते हुए राघवेंद्र जी आपका अभिनंदन करती हूँ। जो कभी न हुआ वो अभी हुआ, स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति की स्थापना का पुण्य का काम आपके कर कमलों से हुआ। मात्र विवेकानंद जी की मूर्ति, डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति नगर पंचायत बनाने में ही संतोष नहीं किया राघवेंद्र जी ने, राप्ती का आरती स्थल भी इस बात का संकेत है कि जनता की इच्छा कि पूजन हो भगवान की, तो उस पूजा आरती में कोई भी बाधा ना हो। भगवान के भक्तों का आपने सम्मान किया, इसलिए यही भक्त 3 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाएगा, कमल का बटन दबाएगा, राघवेंद्र का सम्मान।